हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। राजनीतिक शास्त्र का पेपर आ गया है। ये आ गया है राजनीतिक क्लास 11th का पेपर, राजनीतिक शास्त्र का हिंदी में। तो दोस्तों आ गया, देखिए हिंदी माध्यम का आ गया राजनीतिक शास्त्र का अपन जो है पेपर आ गया है। इसको आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये पूर्णांक का आपका 80, पूर्णांक आपका 80 होने वाला है। आप इस पेपर को पूरा नोट करते जाइए, हम मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा दूंगा और एक अलग से वीडियो बना दूंगा आंसर की, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग कहीं भटकने की भी ज़रूरत ना पड़ेगी, हम आंसर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। हो सकेगा तो हम लास्ट में कुछ आंसर आपको बता भी देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, एकदम पूरा रियल पेपर है, ये देख लीजिए आप, पूरा एकदम रियल पेपर है राजनीतिक शास्त्र का, है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो दिया, सही विकल्प को चुन कर लिखिए, ठीक है ना। ये 6 नंबर का है, भारत का संविधान कितने दिन में तैयार हो गया था, ठीक है ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 10 माह 12 दिन, ठीक है ना, और 2 वर्ष 5 माह, 2 वर्ष 10 माह, ठीक है ना। इसका उत्तर आप लोग पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। दूसरा, भारतीय संविधान की अनुसूचित जाति है 8, ब में 9, स में 11, द में 12 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर, 25 जनवरी, 25 दिसंबर, 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी रूप से कौन कार्य करता है, ठीक है ना। इसका लिख लीजिए आप लोग, विपत्ति विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा है, लिख लीजिए। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 445, 542, 552, 430। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या डैश डैश है, मतदान की न्यूनतम आयु डैश डैश होनी चाहिए, ठीक है। राजनीतिक दलों को चुनाव डैश डैश प्राप्त होता है, राष्ट्रपति सभा में डैश डैश सदस्यों मनोनीत होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 5वां नंबर, संसदीय व्यवस्था में सरकार डैश डैश का प्रधान होती है, चुनाव आयोग की संस्था का डैश डैश सन में हुई थी, नीति निर्देश तत्व डैश डैश से लिया गया है, ठीक है ना। हम लोग इसको हम उत्तर दिखाएंगे लास्ट में, आप लोग कोई बात नहीं। चलिए अगला, सही जोड़ी अ नंबर और ब नंबर, नीति निर्देशक तत्व, संविधान सभा के सदस्य वयस्क, मतदान, लोकतंत्र, स्थायी कार्यपालिका, भारत का सदस्य, 389, आयरलैंड, भारत 18 वर्ष की आयु में, स्पीकर निर्कंठ भाई। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये एक वाक्य में उत्तर देना है आप लोगों को, सरकार के कितने अंग होते हैं, संविधान क्या है, ठीक ना। कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था, निर्वाधन उपयोग का संगठन कब हुआ था, स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है। भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था, ठीक ना, आप इसको उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, सही गलत सत्य असत्य करना है आप लोगों को, भारत का संविधान लोकसभा था, एकदम वही क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनाव अवश्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, ठीक ना। अगला, कार्यपालिका नीति निर्माण में सभी भाग लेते हैं, राज्यसभा का कार्य हाल 5 वर्ष के लिए, भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, ठीक ना। छठवां, भारतीय संविधान एक अलिखित संविधान है, ठीक ना। अब ये 6वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम, किप्स मिशन कब भारत में आया था, ठीक ना, अथवा में है आप लोगों के ये 7वां नंबर, चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, अथवा है सार्वजनिक व्यास के मताधिकार क्यों है, ठीक ना। 8वां है, भारतीय संविधान
ये आप लोग पूरा नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान किन किन देशों में मिलकर कार्यपालिका किसे कहते हैं? अथवा में जो है नौवे में है नौकरी सह क्या है, सदस्य के दो कार्य लिखिए, दसवां है संसद के शून्य काल क्या होता निधि है, विधेयक किसे कहते हैं, ठीक है ना। 11वां नंबर है मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक ना हो, ठीक ना। 11वां नंबर है मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन देता है। 12वां नंबर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। चलिए अगला देखते हैं, लोकसभा और लोकसभा के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 13वां कठोर संविधान के गुण बताइए। स्वराज दल के तीन कार्य लिखिए। कैबिनेट मिशन योजना क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं, अथवा में है राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। 16वां नंबर भारतीय संविधान की तीन विशेषताएं लिखिए, अथवा में है, अथवा में आप लोगों का है शब्द सीमा। भारतीय संविधान एक आधार का थैला होता है। पक्ष तर्क अपने से लिखिए, ठीक है ना। पृथक निर्वाचन मंडल और अतिरिक्त चुनाव के क्षेत्र में क्या अंतर होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। 18वां नंबर राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए, अथवा में है स्वतंत्र निर्वाचन उद्योग शिष्टपट की। 19वां नंबर है अविश्वसनीय एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा में है लोकसभा के संगठन की संक्षिप्त प्रक्रिया लिखिए, ठीक है ना। ये आपके तीन तीन नंबर के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के संगठन पर एक टिप्पणी लिखना है। 4वां नंबर का है न्यायालय से क्या तात्पर्य है, इसका अथवा है, ठीक है ना दोस्तों। 21वां नंबर देख लीजिए उच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार को स्पष्ट कीजिए। 4वां नंबर का है अथवा में सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्ति की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। अथवा में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है, अथवा में लिख लीजिए लोकसभा के संगठन की संक्षिप्त प्रक्रिया को समझाइए। 23वां नंबर है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में क्या अंतर होता है। राज्यसभा की विशेषताएँ शक्ति का वर्णन कीजिए, आपके 4 4 नंबर के थे, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने आपको ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दिया है। आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले पेपर की और भी वीडियो अगर आपको चाहिए रियल एकदम पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हम आपको परेशानी को सही ढंग से फिर से रिपीट कर सके, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग फिर से एक बार थोड़ा दिखाई दे रहा हूँ आप लोग क्वेश्चन, ये देखिए एकदम रियल पेपर है। आपको पेपर में इसी तरह एकदम सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपको निर्देश भी दिए हुए हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है ना। ये एकदम अगर आपको आंसर चाहिए तो हम आंसर भी अभी वीडियो